हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा फैशन हाउस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बहुत ज़्यादा ही मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत सारे कुर्ती कुर्ता सेट लेके आई हूँ अंडर 400 में फ्लिपकार्ट से, बहुत ही प्रीटी प्रीटी लेके आई हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो फर्स्ट वन जो कुर्ता है बहुत ही प्यारा है, स्काई ब्लू जो कलर बोलते हैं उस कलर का मैंने पिक करा और ये कुछ इस टाइप का है। बहुत ही प्यारा कुर्ता है ये। इसकी बात करें तो ये मैंने मीडियम साइज में पिक किया है जो बहुत ही अच्छा, बट ये भी मुझे अच्छे से आ रहा था। इसमें भी राउंड नेक मिल रहा है हमको, 3/4 स्लीव्स मिल रही है, स्लीव्स पूरी ही प्लेन मिल रही है। पूरा ही योग पोर्शन बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडर्ड मिल रहा है जिसमें कई सारे थ्रेड के साथ उन्होंने हमको काम करके दिया है, साथ में कहीं कहीं फॉयल मिरर को भी टक करके दिया है। इसका हमको राउंड नेक बहुत ही प्यारा अच्छा छोटा सा दिया है। पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है, दोनों साइड से हमको स्लिट मिल रही है। साथ में इसके फैब्रिक की बात करें तो फुल ऑन रेयॉन फैब्रिक का, बहुत ही सॉफ्ट वाला रेयॉन फैब्रिक है। इसमें एक ही कलर ऑप्शन था और जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर्सनली इसका एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन मुझे बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट लगा है, इसलिए मैंने इस कुर्ते को पिक करा है और ये पूरी मेरी एग्जैक्ट नी लेंथ तक का था। इसके बैक साइड से बात करें कुर्ते की तो पूरा ही प्लेन हमको मिल रहा है, बट रेयॉन फैब्रिक है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये कुर्ता ना बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा और इसका ट्राई ऑन हॉल देखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन कुर्ते के साइड। एक मैंने ना बहुत ही प्यारा इस टाइप का पर्पल कलर का पिक करा है, आप खुद देखिए ये बहुत ही अच्छा कुर्ता लग रहा है। तो इसकी बात करें तो ये मैंने फैब फैक्ट्री ब्रांड से मंगाया और इसमें मैंने एल साइज को पिक करा है। इसमें ना 3-4 कलर ऑप्शन थे, ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं थे। तो इसकी बात करें तो हमको राउंड नेक विथ हल्का सा वी कट आ रहा है फ्रंट साइड से, 3/4 स्लीव्स आ रही है इस टाइप से और पूरा ही कुर्ता जो फैब्रिक की बात करें इसकी तो फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल में आ रहा है जो बहुत ही अच्छा होता है समर के लिए। और इस कुर्ते की लेंथ की बात करें तो ये मेरे कॉल्फ से नीचे तक का था, क्योंकि ना इस टाइप के कुर्ते ना लॉन्ग टाइप के कुर्ते भी बहुत ज़्यादा ही अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। साथ में जो व्हाइट कलर के फ्लावर दिख रहे हैं ये पूरा ही फ्लावर प्रिंट के साथ में मिल रहा है पूरा ही कुर्ता, बाकी इसमें कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। बाकी दोनों साइड से कुर्ते में ना हमको साइड स्लिट प्रोवाइड है और इसका कॉटन फैब्रिक है, बट हल्का सा आपको ट्रांजी लगेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी थिक वाली नहीं है कॉटन फैब्रिक की। बाकी बैक साइड से बात करें तो पूरा ही सेम फ्लोरल प्रिंट के साथ मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक है, डेली के लिए ऑफिस के लिए आप इसको वेयर कर सकते हैं। बाकी बहुत ही अच्छा कुर्ता है, इसमें भी ना डबल एक्सल तक साइज अवेलेबल है, तो आप देख लीजिएगा। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन कुर्ते की साइड जो है बहुत ज्यादा ही मस्त। एक मैंने ये वाइन कलर का पिक करा है ये कुर्ता, इसमें भी 3-4 कलर ऑप्शन है बट मैंने वाइन कलर को पिक करा है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कुर्ता ना अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ज्यादा ही अच्छा निकला, इतनी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। इसमें भी मैंने एल साइज को पिक करा है, इसमें राउंड नेक आ रहा है, 3/4 स्लीव्स आ रही है, स्लीव्स में पूरा ही रेशम के थ्रेड से हमें एम्ब्रॉयडरी करके दिया है इस टाइप से जो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रही है। इसके फैब्रिक की बात करें तो ये विस्कोसस रेयॉन फैब्रिक में मिल रहा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। साथ में योग पोर्शन पे पूरा ही एम्ब्रॉयडर्ड आ रहा है, वही सेम थ्रेड वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी करके दिए। बहुत ही अच्छा शाइनिंग वाला कुर्ता रिसीव हुआ है, इतना मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम बजट में इतना अच्छा कुर्ता रिसीव होगा। साथ में नीचे से देखा जाए तो नीचे से वही सेम थ्रेड वर्क के साथ हमको काम करके दिया है, पूरी ही एम्ब्रॉयडरी करके दिए। ये कुर्ता भी लॉन्ग कुर्ता टाइप से, ये भी मेरी कॉल्फ्रेंड से नीचे तक का आ रहा था, दोनों साइड से हमको स्लिट्स मिल रही है। बैक साइड से बात करें तो पूरा ही कुर्ता प्लेन आ रहा है और ये कुर्ता बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। साथ में ना योग पोर्शन पे ना इसमें हमको डबल कपड़ा लगा के दिया है, बाकी तो ये बिल्कुल ट्रांजी नहीं हो रहा है। और इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन कुर्ते के साइड। एक मैंने ना बहुत ही अच्छा पिंक कलर का कुर्ता पिक करा है, ये कुछ टाइप का है, ये भी फुल ऑन पार्टी वेयर टाइप से ये कुर्ता, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो इसकी बात करें तो ये डार्क पिंक कलर में ये कुर्ता रिसीव हुआ है मुझे, इसमें 3-4 कलर ऑप्शन थे और इसका साइज भी आई थिंक डबल एक्सल तक साइज तो अवेलेबल है, बट मैंने इसमें एल साइज को पिक किया जो मुझे परफेक्टली आता है। मैड्रिन नेक विथ हल्का सा स्लिट दे रखा है, 3/4 स्लीव्स दे रखी है, स्लीव्स में बहुत ही अच्छी उन्होंने पिंक कलर की रबर प्रिंट करके दी है, साथ में उसमें ना जिगजैग वाली हमको बॉर्डर
लगा के दिए इस टाइप से, जो बहुत ज्यादा ही हाईलाइट हो रही है। ये कुर्ता ना पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर डार्क पिंक कलर जैसा ऑर्डर किया था वैसा ही रिसीव हुआ है। साथ में ना योग पोर्शन पे बहुत ही अच्छी गोटा पट्टी की डिटेलिंग करके दिए, बाकी जो आपको व्हाइट कलर का पूरा ही प्रिंट दिख रही है पूरा ही रबर प्रिंट करके दिया है और थिक वाली रबर प्रिंट करके दी है, हल्की सी उभरी हुई रबर प्रिंट है जो बहुत अच्छी लग रही है। इसकी लेंथ मेरी एग्जैक्ट नी लेंथ तक का था ये कुर्ता, मेरी हाइट 5'4" है और दोनों साइड से ना स्लिट प्रोवाइड है इस टाइप से। और इसके फैब्रिक की बात करें तो फुल ऑन रेयॉन फैब्रिक का आ रहा है जो बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही थिक वाला रेयॉन फैब्रिक है। साथ में बैक साइड से बात करें तो वही सेम रबर प्रिंट के साथ हमको मिल रहा है ये कुर्ता। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की साइड। उसके साइड बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस दी लाइक बटन, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादातर मेरे हॉल वीडियोस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन कुर्ते की साइड। एक मैंने ना ये येल्लो कलर का कुर्ता पिक करा है, एक्चुअली में ना ये कुर्ता मुझे लगा मस्टर्ड येल्लो कलर का मैंने पिक करा था, बट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाला येल्लो कलर पिक हुआ है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप का है। कुर्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा कैटलॉग में शो हो रहा था मस्टर्ड येल्लो कलर, बट ये थोड़ा सा ब्राइट वाला येल्लो कलर है तो ये कुछ इस टाइप का है। तो इसकी बात करें तो इसमें एल साइज को मैंने पिक करा है, इसमें भी डबल एक्सल तक साइज अवेलेबल है। राउंड नेक आ रही है, 3-4 स्लीव्स आ रहा है, स्लीव्स में बहुत ही अच्छी पिंक और लाइट ग्रीन कलर के थ्रेड वर्क करके दिया है जो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा है। अगर आपको इस टाइप के ब्राइट कलर पसंद हैं तो आप इस टाइप का कुर्ता ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइट येल्लो टाइप का जो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में ना पूरा ही योग पोर्शन पे उन्होंने बस सिंपल उन्होंने वही एम्ब्रॉयडरी करके दिए फ्लावर वाली जो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रही है, और हमको ना 3 बटन लगा के दिए हैं इस टाइप के पिंक कलर के प्लास्टिक के, बट वो फंक्शनल नहीं है, ऐसे ही शोपीस के लिए दिए हैं। बाकी पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है, ये कुर्ता लॉन्ग कुर्ता टाइप से है तो ये मेरी काल्फ लेंथ तक का आ रहा था। साथ में ना ये पूरा ही फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल में आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा हल्का हल्का लाइनिंग टाइप से, दोनों साइड से हमको स्लिट प्रोवाइड है, कॉटन फैब्रिक है, साथ में ना हल्का सा ट्रांजी हो सकता है बिकॉज ना थोड़ा सा लाइट कलर है, तो लाइनिंग आपको डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बट ट्राई ऑन हॉल में मैंने कोई भी लाइनिंग नहीं डाली है। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से कुछ इस टाइप का पूरा ही प्लेन मिल रहा है। अगर आप सिंपल सोबर कुछ अच्छा सा पिक करना चाहते हो तो इस टाइप का ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन कुर्ता सेट की साइड। एक मैंने वाइन कलर का कुर्ता सेट पिक करा है, ये कुछ इस टाइप का है। इसमें कुर्ता विद बॉटम वेयर है और ट्रस्ट मी गाइज ये भी अंडर 400 में, क्योंकि आज का पूरा हॉल ही हमारा अंडर 400 में। तो इसके फर्स्ट हम कुर्ते की बात करेंगे, कुर्ता इस टाइप का है, आप खुद देखिए, बहुत ही प्यारा वाइन कलर का कुर्ता पिक करा है। इसमें भी 3-4 कलर ऑप्शन थे बट मैंने वाइन कलर को पिक करा है, और इसमें ना 3XL तक साइज अवेलेबल है तो आप देख लीजिएगा, बट मैंने ना एल साइज को पिक करा है, मेरा जो साइज है मैंने एल साइज को पिक करा है। इसके फैब्रिक की बात करें तो ये भी पूरा खादी कॉटन में हमको मिल रहा है जो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट वाला है। साथ में योग पोर्शन में बहुत ही अच्छा फॉइल मिरर को ना थ्रेड वर्क के साथ टक करके दिया है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पूरे चारों साइड पे उन्होंने जिगजैग सिल्वर कलर के बॉर्डर लगा के दिए जिससे योग पोर्शन बहुत ज्यादा ही हाईलाइट हो रहा है। 3-4 स्लीव्स मिल रही है, स्लीव्स में भी हमको सेम सिल्वर कलर के बॉर्डर लगा के दिए जो बहुत ज्यादा ही हाईलाइट हो रही है। बाकी पूरा ही कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ता है। एक्चुअली में इस टाइप के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता क्या होते हैं, आफ्टर वॉश भी निकलने का चांस नहीं होता है, और इतने कम प्राइस में मिल जाए तो क्या बात है। साथ में ये कुर्ता ना पूरा ही स्ट्रेट कुर्ता है, ये मेरी एग्जैक्ट नी लेंथ तक का आ रहा था, दोनों साइड से हमको स्लिट मिल रही है। साथ में बैक साइड से बात करें तो पूरा ही इस टाइप से प्लेन मिल रहा है। अब बढ़ते हैं हम इसके बॉटम वेयर के साइड। बॉटम वेयर हमें कुछ इस टाइप का मिल रहा है, ये फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल का बॉटम वेयर मिल रहा है, और बहुत ही प्यारा बॉटम वेयर है। मोस्टली कुर्ता सेट में ना बॉटम वेयर बहुत ही हल्की क्वालिटी के होते हैं, बट इसका बॉटम वेयर बहुत अच्छा है। तो इसकी बात करें तो दोनों साइड से हमको इलास्टेटेड मिल रहा है इस टाइप से, फुल ऑन खादी कॉटन में मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की लाइनिंग है पूरे बॉटम वेयर पे जो खादी कॉटन टाइप से, जो बहुत ही अच्छा थिक वाला कॉटन फैब्रिक है। नीचे से पैंट पैटर्न में आ रहा है जिसमें बहुत ही अच्छी उन्होंने सिल्वर कलर की बॉर्डर लगा के दिए जो बहुत अच्छी लग रही है। थाइज एरिया से बहुत ज़्यादा ही बॉटम वेयर कम्फर्टेबल था, बहुत
ही अच्छा बॉटम वेयर है, ओवरऑल कुर्ता सेट बहुत ही अच्छा है, तो गो फॉर इट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की साइड। ये कुछ मैंने इस टाइप का मंगाया है, बहुत ही प्यारा कुर्ता है, ट्रस्ट मी गाइज। ये मैंने ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पिक करा है। इस टाइप के कुर्ते के कलर ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। पहले आप खुद देखिए कितना प्यारा कुर्ता है, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा मैंने ब्लू कलर का कुर्ता पिक करा है। इसमें एक ही कलर ऑप्शन था, ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं थे। तो इसकी बात करें तो इसमें एल साइज आ रहा है, राउंड नेक आ रहा है। इसके फैब्रिक की बात करें तो फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल में मिल रहा है। साथ में 3-4 स्लीव्स आ रही है। स्लीव्स में बहुत ही अच्छी कुरेशिया वाली बॉर्डर लगा के दी है, बहुत ही अच्छी, जो बहुत ही हाईलाइट हो रही है। साथ में ना योक पोर्शन पे आपको जो दिख रहा है पूरा ही ना थ्रेड वर्क विथ फॉयल मिरर को टक करके दिया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ दिया है। साथ में नीचे ना दो कलर के हमको ना टैसल्स लगा के दिए, जिसमें मेटल के बटन भी है, जो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा है। बाकी पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है, दोनों साइड से हमको स्लिट मिल रही है, और स्लिट में ना बहुत ही अच्छी वही क्रोएशिया वाली उन्होंने हमको लेस लगा के दी है, इस टाइप की बॉर्डर, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। नीचे साइड पर भी इसी टाइप से करके दिए, जो हाईलाइट बहुत अच्छे से हो रही है। बाकी पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है, और जो वाइट कलर के आपको प्रिंट दिख रहा है ये पूरा ही रबर प्रिंट करके दिया है, और बहुत ही थिक वाली रबर प्रिंट है, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। साथ में बैक साइड से बात करें तो सेम रबर प्रिंट के साथ हमको कुर्ता मिल रहा है, और साथ में ना हमको साइड स्लिट पे एक जगह, मतलब दोनों साइड पे टैसल्स नहीं दिए, बस ऐसे ही उन्होंने साइड स्लिट पे हमको दो टैसल्स दिए, जिसमें इस टाइप के कॉटन फैब्रिक के टैसल्स लगा के दिए। ये शो पीस के लिए ऐसे ही जो लटकता रहता है, बाकी पूरा ही कुर्ता बहुत अच्छा है। और ना ये कुर्ता बिल्कुल भी ट्रांसी नहीं है, कॉटन फैब्रिक है बट बिल्कुल भी ट्रांसी नहीं है, क्योंकि बहुत ही थिक फैब्रिक है इसका। इसका भी ना एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और ये था मेरा आज का हॉल। आई होप आपको आज का हॉल वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आप सभी स्वस्थ और बहुत ज्यादा ही मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।